दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल्कि का ट्रेलर रिलीज हो गया है और नाग अश्विन का डायरेक्शन और 600 करोड़ की मूवी कैसी है आइए बात करते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए कल्कि ला रहा है बॉलीवुड के लेवल का मूवी विद इंडियन टच। ट्रेलर देख के मुझे ये समझ आया कि मूवी में हमें माइथोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों देखने मिलेगी। कहानी शुरू तो होगी फ्यूचर में, मे बी 100 साल बाद, 1000 साल बाद, हु नोस, बट फ्यूचर का दृश्य होगा और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, टाइम ट्रैवल से रिलेटेड स्टोरी हो सकती है। ट्रेलर के स्टार्ट में काशी की बात की जाती है जहां पानी अवेलेबल है और वन गॉड की बात की जाती है और दिखाया जाता है कि दीपिका प्रेग्नेंट है और अमिताभ बच्चन सर कहते हैं कि भगवान आने वाले हैं, तो मे बी भगवान विष्णु का अवतार जन्म लेने वाला है, ऐसा उनका प्रेडिक्शन होगा और दीपिका के बेबी को मारने के लिए काफी लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो ये सब संकेत दे रहा है एक महायुद्ध का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की शुरुआत ऐसी होगी कि स्टोरी टेलिंग के साथ धीरे धीरे बिल्डअप बनाते हुए फिल्म शुरू होगी। मे बी शुरुआत में ऐसा दिखाया जा सकता है कि बुराई का शासन हो और लोग भगवान के जन्म का वेट कर रहे हो और सेकेंड हाफ में बिल्कुल फास्ट पेस पे फाइटिंग देखने मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ट्रेलर देख के मुझे तो यही समझ आया। और प्रभास को एक जिंदा दिल इंसान दिखाया गया है, मतलब हसमुख टाइप, प्लस दिशा का एक छोटा सा रोल दिखाया, वो भी मस्त लग रही है अपने कैरेक्टर में। और इस ट्रेलर में कमल सर को एज विलन दिखाया गया है और उनका लुक जो है वो बहुत ही डेंजरस है। उनको देख के ऐसा फील हो रहा है कि बस कमाल और धमाल दोनों इसी मूवी में होने वाली है। बाकी अमिताभ बच्चन सर का लुक भी बहुत मस्त है। इनफैक्ट अगर आपने ट्रेलर देखा हो या नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद जरूर देखो। जो विजुअल दिखाए हैं ट्रेलर में एकदम हॉलीवुड के लेवल का इम्पैक्ट फील करवा रहा है वो आपको। ट्रेलर देख के इट सीम्स लाइक उन्होंने अपने कैरेक्टर्स बता भी दिए और बहुत कुछ छुपा भी लिए। मतलब क्यूरियोसिटी जो है वो एकदम हाई लेवल पे कर दिया है लोगों का। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगी मूवी, कैसी होगी, क्या स्टोरी लाइन होगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लस चेरी ऑन द टॉप की जो हिंदी डबिंग है इस फिल्म का वो भी शानदार है। इन शॉर्ट मजा आने वाला है ये फिल्म देखने में। बस सवाल इतना है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कुछ इस लेवल की मूवी इंडिया में क्रिएट हो रही है इंडियन क्रिएटर्स के थ्रू, तो क्या मास पब्लिक इस फिल्म को पसंद करेगी, ये सोचने वाली बात है। अब आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और क्या आप एक्साइटेड हो कल की मूवी के लिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो करते हैं यही इस वीडियो को एंड। आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने मूवीज बड़ी के साथ इसे शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। शुक्रिया, धन्यवाद।